हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटोरोला वन फ्यूज़न प्लस के बारे में, जिसको यूरोपियन कंट्री में पहले ही लॉन्च कर दिया गया है और अब मोटोरोला इसको 16 जून को इंडियन मार्केट में भी लॉन्च करने वाला है। फ्लिपकार्ट पर ये स्मार्टफोन लिस्टेड हो चुका है, इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट से परचेज कर पाएंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसकी कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस और इंडियन प्राइसिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट टेक वीडियोज़ के लिए। सो गाइज, सबसे पहले बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आपको सेम देखने को मिला था Redmi K20 में, और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक सिमिलर रहने वाली है Redmi K20 से। सो गाइज, इसमें आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि एक फुल व्यू डिस्प्ले रहने वाली है, क्योंकि गाइज इसमें आपको कोई भी नॉच या फिर पंचोल देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, जिससे आपका वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस और गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ 6GB 128GB के साथ ये स्मार्टफोन आएगा, जिसको कि आप माइक्रो SD कार्ड के थ्रू 1TB तक एक्सपेंड कर पाएंगे। इसी के साथ बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप वर्टिकली अलाइंड आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का। इसी के साथ 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म, 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी एंड 15W का फास्ट चार्जर सपोर्ट। अगर यहाँ पर मोटोरोला इसके फास्ट चार्जर को इंक्रीज कर देता तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाला था, लेकिन स्टिल गाइज यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है स्नैपड्रैगन 730G के साथ, और इसी के साथ एक बेटर कैमरा एक्सपीरियंस भी। सो गाइज, अगर हम बात करें इसके कुछ अदर फीचर्स की, तो इसमें एंड्रॉयड 10 के साथ स्टॉक एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, और गाइज बहुत ही जल्द यहाँ पर एंड्रॉयड 11 लॉन्च होने वाला है, तो इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का भी लेटेस्ट अपडेट बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। 3.5mm हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0 के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। सो अगर बात करें इसकी लॉन्च डेट की, ये स्मार्टफोन 16 जून को ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। मोटोरोला ने इसके ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर इसको ट्वीट किया है। सो गाइज, बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर, ये स्मार्टफोन यूरोपियन कंट्री में 25,000 के अराउंड लॉन्च किया गया है, लेकिन गाइज ये इंडियन मार्केट में इससे कम प्राइसिंग में ही आएगा। मे बी ये स्मार्टफोन 15,000 से लेकर 20,000 के अराउंड इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है। सो गाइज, अगर आपको इसी स्मार्टफोन के बारे में कोई भी स्पेक्स को अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की किसी भी स्मार्टफोन एंड टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।